सुरजीत, स्वागत है आपका। हाँ मैम, हेलो, मैं ये हेलो। बोलिए। अरे मैडम, मैं हकीम साहब से पूछना चाहता था माता जी के बारे में। पूछिए। जी बताइए। माता जी का 70 साल उम्र है और उनको क्या है, पथरी है मैडम, पथरी? पित्त, हाँ पित्त में पथरी है और पहले से कम 22 mm के लगभग हो चुकी है। और मैडम वो हार्ट पेशेंट हैं, पहले उनको ऑपरेशन करवाने के लिए बोला था तो डॉक्टर साहब ने हार्ट पेशेंट वाले की जो इनकी दवाई चल रही है उन्होंने मना कर दिया था। अब वो ठीक पथरी बढ़ चुकी है। ठीक है। जी। देखिए, पित्त की पथरी है और बहुत बड़ी है, दवाइयों से निकलना मुमकिन नहीं है। दिल के मर्ज को काबू करते हुए इनका ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर ये शांत पड़ी हुई है तो कोई इन्हें खतरा नहीं है, अगर ये एक्टिव होती है तो तकलीफ़ होती है। तो शांत पड़ी हुई है तो भी अपने सारे टेस्ट करा के रखें और कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन की। पित्त की पथरी निकलना इतनी बड़ी बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं कोई नुस्खा नहीं बताना चाहूँगा। किडनी की पथरी कितनी भी बड़ी हो, उसका निकल जाना आसान है। पंजाब से अगले कॉलर हैं हमारे साथ। सुशीला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैडम जी, ए सुशीला गुप्ता दा गोड़ा खराब है और हाँ, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेट करना है और इसको साथ में सेंसिट का नुक्स है, सुन हो जाती है इसकी जी। राइट साइड बटक से लेके पैर तक, और ये 1 महीना हो गया है तो हाँ, काला गोंद खा रही है। आराम है? आप कभी हो जाता है तो हाँ कभी फिर हो जाता है, और साथ में ना कुछ हाँ और दवाइयां लिखाइयां थी आपके प्रोफेसर डॉक्टर ने, तो ठीक है। वो बता रहे थे कि 4 चीजें लिखाई थी उन्होंने, तो वो भी हमने बनाई हैं, वो खा रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, फायदा तो तकरीबन शुरू हो गया। जिसको सुन होता है उसको थोड़ा देर से फ़ायदा होता है, पहले दर्द आएगा, सुन की जगह पहले दर्द आएगा तो घबराए नहीं, दर्द आए तो दर्द की गोली ले लेना। और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, ऐसा कुर्सी वाला, ऐसे मरीज़ के लिए तो लाभ जल्दी होगा, नहीं तो बार बार परेशानी होती ही रहेगी। अच्छा, ये चलेगा आपको 5-6 महीने, ये नुस्खा चलता है, और जब तक आपको इत्मीनान नहीं करेगा ये ख़त्म नहीं होगा, ये आपको इत्मीनान देकर ही ख़त्म होता है नुस्खा। और जो दवाइयाँ बताई वो भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे आधा आधा ग्राम खाते हैं तो उसको एक एक ग्राम फिर 3 बार खाना पड़ेगा आपको, पत्नी को। मैं दुआ करूँगा कि जल्दी फ़ायदा हो ताकि आपकी फिक्र कम हो सके। जी जी, मुजफ्फरनगर से अगले कॉलर हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका। जी जी शेखर जी, अपना सवाल करिए। मैं 18 साल उम्र है जी मेरी, और मुझे नमूनिया होता है जी, अब भी नमूनिया 18 साल ये देने ये वाले। देखिए, नमूनिया के मरीजों को खट्टी चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनसे गर्माई रहे, सीने से कोई चिमटी रहे ऐसी कोई चीज़ अंदर, पहले सीने बंद पहनते थे, अब तो और चीज़ें चलती हैं, अब वो आता नहीं है। और फेफड़े की दवाई लें, फेफड़े की ही दवाई नहीं लें बल्कि ऐसी दवाई जो आपकी इम्यूनिटी पैदा कर दे। जब तक इम्यूनिटी आपके अंदर पैदा नहीं होती, जब तक आप तकलीफ़ में रहेंगे, बार बार नमूनिया होगा। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी से खुद लड़ती है, जिसके अंदर कम होती है उसे बार बार नमूनिया, छींकें, पसली चलना, बुखार होना, कफ होना, खांसी होना, बलगम होना, ये सब होता रहेगा। अगर आप या तो लगातार माजून आर केयर सुबह शाम गर्म पानी से खाएं, और खट्टी चीज़ें और बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दें, तो 5-6 महीने लगेंगे आपको फ़ायदा होने तक। जी, कांदला यूपी से ममता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी मैडम बोलिए, प्रश्न करिए। जी, हमको शुगर है मैडम जी, कब से? ये 1 साल हो गए कम से कम, आपकी एज क्या है? 42 साल। ठीक,
हाँ देखिए, अभी हुई है शुगर, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, मेरे जो मशवरे हैं उन पर अमल करें, तो अभी शायद गुंजाइश भी है कि आपकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है। जो एक साल के अंदर के पेशेंट हैं वो कोशिश करें, जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, दिन में 5 बार गर्म पानी पीना है, 1 घंटा या उससे ज़्यादा धूप में चलना है, एक साथ नहीं चल सकते तो धीरे धीरे करके चले, 15-15 मिनट करके 4 बार में चलें, आधा आधा घंटा करके 2 बार में चलें, ये ज़रूरी है शुगर के लिए। जितना भोजन करते हैं उससे आधा कर दीजिए, जैसे 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी खाया करिए, और पानी गर्म खूब पीना है, 5 बार तो मैं कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, और जो दवा खाते हैं वो खाते रहें, और जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिला कर लें, छोटे चाय के चम्मच, तो अभी आपकी शुगर रिवर्स भी हो सकती है। जी, इंदौर से नेक्स्ट कॉलर है सरिता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, सरिता जी बोलिए। मैम ऐसा है, मेरी मदर इन लॉ है, उनके ना हाथ पैर में हमेशा दर्द रहता है। ठीक है। और उनको एक्चुअली उनको ब्लड प्रेशर भी है और उनको थायराइड भी है, और एक पैर में उनको ना झुंझुनीपन बहुत रहता है। जी हाँ बेटा, देखो ऐसे ही ख्याल रखो अपनी सासू माँ का, बड़ा अच्छा लगता है जब एक बहू अपनी सास के लिए इतनी फिक्रमंद होती है, तो समझता हमें लगता है कि हम भारत में वाकई रहते हैं। देखिए उनके लिए 2 नुस्खे होंगे, या तो एक एक करके करें या अलग अलग। देखिए पहले उनको नुस्खा दीजिए थायराइड का, वो जो गोली वो खाते हैं वो खाते ही रहें, जो भी डॉक्टर उनको देता है 1 बार या 2 बार उसे नहीं छोड़नी है। और उनको धनिया 300 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा 100 ग्राम, सफ़ेद वाला, गौंद मोरिंगा सफ़ेद ही लेना है, लाल वाला नहीं, गौंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खिलाया करें, पानी के साथ 5 बार गर्म पानी पिलाया करें, और वो गोली चलने दें। आपके डॉक्टर हर महीने उस गोली की पोटेंसी कम करते जाएंगे, इतना फ़ायदा होता है, और 7-8 महीने अगर खिलाते हैं तो इनके ये रोग ठीक हो सकता है थायराइड का, और थायराइड ठीक होने से उनके बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर जब थायराइड ठीक हो जाए तो दोबारा से फ़ोन करके फिर आप उनका अगला नुस्खा भी शुरू कर सकते हैं। जी, वेस्ट बंगाल से अगले कॉलर हैं बिट्टू शर्मा, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, मैं बिट्टू शर्मा बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। जी बोलिए। मैडम कह रहा हूँ कि हमारे पिताजी का एज है आपका 68। ठीक है। तो उनका जो है स्टोन हो गया है पेट में, है ना, 8 mm, 9 mm और एक है आपका 14 mm का। किडनी में है? किडनी में? हाँ मैडम, किडनी में और एक यूरिन में। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, एक औषधि आती है वो उसे कहते हैं, उसको कहते हैं जैतून का नमक, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, ये ले लें 100-200 ग्राम खरीद लें, और ऐसे 2 चुटकी में जितना आए 1 गिलास पानी में मिलाएं, 1 लींबू निचोड़ें और सुबह उनको पिला दें पिताजी पिताश्री को, और बाद में 2 गिलास पानी और भी पिलाएं, ऐसे ये आप दिन में 2 बार ये क्रिया करें। कितना भी बड़ा पत्थर अगर किडनी में हो तो वो रेजा रेजा करके, रेता रेता करके निकलता है, रोज़ाना दें और दुआ भी करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि आपके पिताजी को फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल, ये जो हकीम साहब जैतून का नमक है, ये इसका कोई स्वाद तो है नहीं जैसा कि आपने बताया, अगर कोई भी इसको अपने खाने में इस्तेमाल करे, जो एक हमारा नमक आता है जिसका स्वाद होता है वो, उसके साथ इसका भी अगर हम इस्तेमाल करें तो ऐसे भी हम खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में कर सकते हैं। हाँ देखिए, सब्जी में मिला सकते हैं, जो मेरे सामने जैसे बॉल आया उसमें 1 चुटकी डाल दिया तो जी। स्वाद नहीं बदलता उसका, हालांकि इसमें भी स्वाद है, ऐसा सब्जियों जैसा ही स्वाद है, जैसे आपने 1 चुटकी पानी मिलाया
तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नल का पानी, नल का होता था खारा सा, बहुत मामूली सा खारा सा होगा एक चुटकी में, तो बगैर स्वाद का ही समझ लीजिए। ज़्यादा मिलाएंगे तो स्वाद देगा, कभी कड़वा लगेगा, कभी खारा लगेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हाजिम बहुत है एक तो, और ये पथरी को तोड़ता है, और ये चर्बी को गलाता है। पथरी और चर्बी का दुश्मन है, इन्फेक्शन को दूर करता है और पेट को आसान करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, बवासीर को रोकता है, लीवर को बहुत तकबीयत देता है। अगर लीवर बढ़ जाए या लीवर फैटी हो जाए, अपना काम सही नहीं कर रहा हो, या किडनी में गंदगी बढ़ जाती है जिसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ता है, उसमें भी इसका फायदा काफ़ी है। जी चलिए, इसी के साथ अगली कॉलर है हमारे साथ, गुजरात से स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शमीम बानू, मैं यहाँ गुजरात बड़ौदा से बोलती हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? हकीम साहब है? जी जी बताइए शमीम जी, बताइए जी। वो मुझे है ना तो थायराइड है और डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल भी है, तो मैं ऐसा कुछ खट्टा खाना खा लेती हूँ, ऐसा कुछ खा लेती हूँ, मेरे को तकलीफ होती है। तकलीफ ये है कि मेरी नसें खींचाती है, जैसे नस खींचती हो ऐसा मुझे महसूस होता है, और ये कमर है ना, गर्दन से लेके नीचे कमर तक वो दुखावा बहुत होता है, वो है मुझे तकलीफ। अच्छा शमीम बानो जी, देखिए ये खट्टा खाने से नहीं होता है। एक नुस्खा बता रहा हूँ, पहले वो कर लें, ये सब तकलीफें आपकी चली जाएंगी। फिर थायराइड का करना, थायराइड का इलाज करते रहें, और कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाना शुरू करें, और एक महीने में भी फ़ायदा हो जाता है किसी को। लेकिन आप सबसे मेरी निवेदन है कि 3-4 महीने खाएं, ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी उज्जैन से अगले कॉलर हैं शक्ति सिंह, स्वागत है आपका। जी मैडम, ये मम्मी के पाँव में दर्द होता है, तो उसमें MRI में बताया कि L4-5 नस है, वो हड्डी के अंदर आ रही है, तो वो सर्जरी वर्जरी के बता रहे, तो उसका कोई इलाज वगैरह, सर्जरी नहीं करवाए थे? नहीं, जरूरत किसी भी सर्जरी की, अगर आप मेरी बात गौर से सुने तो किसी सर्जरी की जरूरत नहीं। बस हमारे घर में एक तो वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, जिस पर मम्मी ज़रूरत पूरी करने जाएं, नहीं हो तो लगवा लीजिए, वैसे तो होना चाहिए। आप पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं मुझे, तो आपके घर में ज़रूर वेस्टर्न टॉयलेट होगा, नहीं तो लगवा लें। दूसरा, सर्जरी मत कराइएगा, बहुत परेशानी हो जाती है। आप या तो गोंद स्याह मिल जाए, काला गोंद एक बड़ा मशहूर गोंद है, जो नकली भी बहुत मिलता है, असली मिल जाए तो जायके में कड़वा होता है, इसे गोंद स्याह भी कहते हैं, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से या पानी से खिलाना शुरू करें, और आपको अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है, और अपने ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी को रोग मुक्त कर सकता है। अगर ये नहीं मिले, मिले तो असली मिले, नकली बहुत मिलता है, तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम मम्मी को देना शुरू करें। टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम मम्मी को दीजिए, और अगर एक महीने में फ़ायदा हो जाए तो कम से कम 3-4 महीने खिलाएं, ताकि कभी उनको ऑपरेशन की जरूरत ना हो सके। जी हिमाचल से अगली कॉलर है मीना शर्मा, स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए मीना जी। ऐसा है ना मैम जी, मेरी ना मम्मी जी के लिए सवाल था, उनको अस्थमा भी है ना, और उनको मोटापा भी है, और उनको घुटनों में दर्द भी है, एज है उनकी 65 साल। 65? हाँ जी। और दूसरा है, लड़का है ना 19 साल का, उसको कुछ भी खाया पिया लगता नहीं, मैं कमजोर है। ठीक है ठीक जी। अच्छा गौर से सुनिए, यकीनन आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, मम्मी को एक एक करके इलाज करें। सबसे पहले उनके दर्द का इलाज करें। गोंद स्याह, एक काले गोंद को कहते हैं, जो इंतहाई कड़वा बहुत होता है, कड़ू बहुत होता है, 100 ग्राम भी खरीद लेंगे अगर असली, नकली भी बहुत मिलता है, तो आधा आधा ग्राम देने से 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले उनकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। और बच्चे के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला ही लेना,
कॉर्न मोरिंगा सफ़ेद वाला आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर उन्हें पिला दिया करें या दूध में मिलाकर आपका बच्चा भी स्वस्थ होना मुमकिन है।